भगत जनू, नानक निरंकारी उस प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश देकर लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए अपनी यात्राएं निरंतर इसी प्रकार जारी रखते हुए अपने अनन्य सेवकों के साथ पहुंचे बिदर में। यहां से गुरु नानक देव जी गोलकंडा भी गए। इस जगह पर कान फटे नाथ पंथ योगियों से उनकी गोष्ठी हुई, जो गुरु साहिब के शब्द सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुए। शहर से कुछ मील दूर दो सूफी फकीर पीर याकूब अली और पीर जलालुद्दीन की खानकाह थी। इन सूफी महानुभावों ने गुरु नानक का बहुत आदर सम्मान किया और गुरु जी से आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त किया। इस प्रदेश में पानी की बहुत कमी थी, जिससे लोगों की आर्थिक दशा बहुत हीन थी। जो भी कुएं खोदे जाते उनका पानी खारा निकलता और बहुत जल्द वह कुएं शुष्क हो जाते। गुरु नानक देव जी ने एक स्थान पर तालाब खुदवाया, जहां से पानी का स्रोत बह निकला। इसका पानी अत्यंत निर्मल, मधुर और स्वादिष्ट था। इसका नाम अब तक नानक झीरा करके प्रसिद्ध है। इस नानक झीरा का पानी आज तक भी हजारों लोगों की प्यास बुझाता आ रहा है। वहां के लोगों में यह बात भी शताब्दियों से प्रसिद्ध है कि यह पानी शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करता है। यहां ही गुरु गोविंद सिंह जी के ज्योति जोत समाने के उपरांत माई भागो ने अपना डेरा रखा और लंगर चलाया और सिख धर्म का बहुत प्रचार किया। माई भागो का स्वर्गवास यहीं हुआ और उनकी समाधि यहां पर विद्यमान है। भगत जनों, महाराष्ट्र में गुरु नानक देव पहले कोल्हापुर पहुंचे। कोल्हापुर महालक्ष्मी का स्थान, जो दक्षिण दिशा का काशी तीर्थ माना जाता है। शक्ति उपासकों का दक्षिण में यह सबसे महान केंद्र है। यहां गुरु साहिब किससे मिले और कितनी देर तक ठहरे, इसके बारे में बताना कठिन है। यहां से गुरुजी पंडरपुर में गए। यहां पर परमात्मा की बिठल के रूप में भक्ति करने वाले अनेक प्रसिद्ध भक्त हुए हैं, जिनमें से नामदेव, त्रिलोचन और पीपा का नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब में विद्यमान है। यहां पर भी गुरु नानक देव जी का देहुरा स्थापित है, जिसकी सेवा संभाल उदासीन साधु कर रहे हैं। बीठल के मंदिर के भीतर जाने के लिए सबसे बड़ा द्वार नामदेव का द्वार कहलाता है। इस द्वार पर पहुंचने के लिए 12 सीढ़ियां हैं। पहली और दूसरी सीढ़ी पर पीतल लगा हुआ है और इस पीतल पर अनेक प्रकार के चित्र अंकित हैं। मंदिर के पुजारियों और स्थानीय विद्वानों का मत है कि ये चित्र नामदेव और उसके परिवार के हैं। पहला चित्र नामदेव का है, जिसमें वह तंबूरा हाथ में लिए कीर्तन कर रहा है। सीढ़ियों के निकट ही नामदेव जी की मूर्ति है। जिस सीढ़ी पर नामदेव जी की मूर्ति है, उस पर कोई पांव नहीं रखता। इस स्थान को नामदेव की समाधि माना जाता है। मालूम होता है कि पंडरपुर में भी गुरु नानक देव महाराज को नामदेव के उत्तराधिकारी मिले, जिनसे नामदेव की वाणी उन्हें प्राप्त हुई। इस क्षेत्र से ही गुरु साहिब ने भक्त त्रिलोचन, पीपा और भगत सैन की वाणी एकत्र की। सैन तत्कालीन बिदर के ही किसी राजा के दरबार में कार्य करता था। इस प्रदेश में 10 गुरुओं में से अन्य कोई गुरु साहिब नहीं आए और ना ही कोई प्रमुख सिख पहुंचा, जिसने उनकी वाणी को इकट्ठा किया हो। बाबा मोहन जी की पोथियों में नामदेव आदि की संकलित वाणी सिद्ध करती है कि यह वाणी गुरु नानक देव जी ने ही इकट्ठी कर ली थी।
भगत नामदेव और भगत त्रिलोचन जी की वाणी ऐतिहासिक पक्ष से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन भक्तों ने अपने शब्दों में अपने जीवन की अनेक घटनाओं की ओर भी इंगित किया है। भगत चरों पंढरपुर से गुरु नानक देव जी अहमदनगर गए, जहां गुरु साहिब के चरण पादुका के चिन्ह और स्थान है। यहां से नासिक होते हुए प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान त्र्यंबक पहुंचे। त्र्यंबक वह स्थान है जहां से गोदावरी नदी निकलती है। इसके संबंध में कई एक हिंदू पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। यह भी कहा जाता है कि यहां ही गोरखनाथ ने तपस्या की थी। यहां एक गुफा है जो आजकल भी गोरखनाथ की गुफा से जानी जाती है। यहीं अन्य दो महापुरुषों ने तपस्या की, जिनका महाराष्ट्र के इतिहास में बड़ा ऊंचा स्थान है। यहां ही गोरखनाथ के शिष्य गहीननाथ और उसके शिष्य नवीर्तिनाथ ने घोर तपस्या और साधना की। नवीर्तिनाथ का भाई ज्ञानदेव एक चोटी का विद्वान एवं भक्त हुआ है। ज्ञानदेव भक्त नामदेव का गुरु था, जो 19 वर्ष की आयु में रैन सभाई कीर्तन करते करते मर गया था। ज्ञानदेव इस अल्पायु में ही दार्शनिक महत्व की पुस्तकें लिख गया, जिनके नाम इस प्रकार हैं, ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव। नामदेव के मराठी अभंगों में ज्ञानदेव और नवीर्तिनाथ के विषय में बहुत कुछ प्राप्त होता है। नामदेव जी भी इसी स्थान पर आए थे। इसका वर्णन उन्होंने अपनी तीर्थावली नामक रचना में किया है। भगत जनों, इस स्थान पर आज भी गुरु नानक देव जी के आगमन की स्मृति में एक सिख धर्मशाला अवस्थित है, जिसकी व्यवस्था उदासीन साधुओं के हाथ में है। क्योंकि जहां जहां गुरु नानक देव जी गए, जहां जहां गुरु नानक देव जी के चरण परे, वह स्थान पूजनीय हो गया और वहां पर उनकी स्मृति में धर्मशालाएं स्थापित हुई। इस प्रकार संसार के लोगों को उस प्रभु परमात्मा का उपदेश देते हुए गुरु नानक देव जी अपनी अगली यात्रा के लिए और निकल पड़े। बोलो जी भाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।